नमस्कार, आप देख रहे हैं एनटीवी निष्पक्ष। मैं हूं आपके साथ आयुष श्रीवास्तव। श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट अब पूरा हो चुका है। इसी कड़ी में सुरक्षा में फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी से वापस उसे तिहाड़ जेल ले जाया गया। बता दें कि एफएसएल सहायक निदेशक संजीव गुप्ता ने बताया कि आफताब का पॉलीग्राफिक टेस्ट पिछले हफ्ते से चल रहा था, जो अब खत्म हो गया है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। श्रद्धा वॉकर हत्याकांड के आरोपी आफताब अमीन पुनेवाला का पॉलीग्राफिक टेस्ट पूरा हो गया। फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी से उसे बाहर ले जाया गया है। बता दें एफएसएल के सहायक निदेशक संजीव गुप्ता ने कहा कि जल्द ही पुलिस को आफताब की पॉलीग्राफिक टेस्ट रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। आपको बता दें 11 पार्टनर श्रद्धा वॉकर की हत्या के आरोपी आफताब अमीन पुनेवाला का पॉलीग्राफिक टेस्ट के बाद नार्को टेस्ट कराया जाएगा। कोर्ट से ये टेस्ट कराने के लिए 1 दिसंबर की तारीख की अनुमति मांगी गई थी। आपको बता दें स्पेशल सीपी कानून व्यवस्था सागर प्रति हड्डा ने बताया कि नार्को टेस्ट की कोर्ट ने अनुमति दे दी है। मंगलवार को आफताब का पॉलीग्राफिक टेस्ट पूरा हो गया है। इसके बाद अब अंबेडकर अस्पताल में नार्को टेस्ट की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। वही आफताब की इंटरनेट सर्चिंग भी संदिग्ध है। बता दें पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि उसने क्या सर्च किया और क्या प्रयोजन में डाला। आफताब की इंटरनेट सर्चिंग इसलिए भी सवालों के घेरे में है क्योंकि उसने ज्यादातर सर्च इंटरनेट से डिलीट कर दिया है। वही डिलीट किए गए पॉइंट्स को दिल्ली पुलिस तलाशने में जुटी हुई है। इसके लिए कथित एसआईटी की टीम कार्रवाई लगातार कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनटीवी निष्पक्ष।